रघुनाथपुर असेंबली हलका से तृणमूल के उम्मीदवार हजारी बौरी के हिमायत में तृणमूल कांग्रेस मार्टी सेल की जानिब से आगरा में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्द की गई। आई तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदा के साथ देखते हैं। सर वेलकम इन आवर चैनल, आप तो इस इलाके के ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, क्या नाम हुआ आपका? एमडी जाकिराम सर, रघुनाथपुर वन ब्लॉक प्रेसिडेंट, मार्टी सेल का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। अच्छा, आपके साथ मार कौन कौन लगे, उनका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा साथ में है जिला का अफजार भट्ट रीता जलाल जी, हमारा साथ है इमाम मौलाना खलील अफजार भट्ट जिला माइनॉरिटी सेल का, मेरा साथ है अदरा का लॉर्ड बेनियासोल का एक्टिव मेंबर माइनॉरिटी सेल का खुशबू बीवी, मेरा साथ है नजमा खातून और गुड़िया, और हमारा जनरल सेक्रेटरी हमारा पीछे है एम डी माझर। हाँ, और आपका क्या नाम है? दामन सर। अच्छा, अभी तो आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसा इलेक्शन कितना टफ लग रहा है इलेक्शन आप लोग का? हम लोगों का प्रचार डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, अच्छा हम लोगों का वार्ता मिल रहा, कुछ खूबियाँ है आगरा का अंदर में, जैसे ही लोअर बेनियासोल में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दीदी जो काम कर रहा धीरे धीरे इंशाल्लाह सब घर घर में पहुंच जाए। जो पार्टी प्रचार कर रही सब तो बोल रही बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टीएमसी का झगड़ा, टीएमसी से क्या इसको मानते हैं आप? ये चीज हम लोग का रघुनाथपुर विधानसभा में है नहीं, हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं, हर कास्ट हर जात मिल के हम लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के हम लोग भाई भाई अपना काम करते हैं, जब कुछ झगड़ा कुछ झमेला कुछ नहीं। फरीदा जी, आखिर ममता बनर्जी ने क्या काम किया जो लोग उनको वोट देंगे? ममता जी जो काम की है उनका लिस्ट अगर दिखाऊं तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेके मरण तक और मरण से लेके जन्म तक उन्होंने सारे फैसिलिटीज हम सारे पश्चिम बंगाल के निवासियों को दिया है। ऑल द सिटीजंस ऑफ वेस्ट बंगाल इज एंजॉयिंग ऑल द प्रॉफिट्स गिवन बाय आवर दीदी, आवर बिलवड दीदी। जब इतने काम ममता बनर्जी ने किया है तो फिर आप लोगों ने एमएलए साहब का टिकट क्यों काट दिया जो आपके सिटिंग एमएलए थे? उनके साथ हमारी कुछ परेशानियां थी जरूर, और सबने चाहा कि एक परिवर्तन आए फॉर द, और ये परिवर्तन का चेहरा है हमारा हजारी दा का, वो एक शिक्षक हैं, तो सबने सोचा कि शिक्षक का होना माने हम सबके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। उनका टिकट काटना कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि परिवर्तन तो पूरा ये दुनिया जो बना है, ये पूरा अर्थ इज चेंजेबल, माने हर कुछ चेंज होता ही रहता है, इट्स अ सर्कल, इट्स अ साइकिल, एंड आई थिंक दैट दिस चेंज विल नेवर डू एनी लॉस फॉर एनीथिंग, बट इट विल गो थ्रू द पाथ ऑफ अ डेवलपमेंट। कितना यकीन आप लोग यहां से जीत रहे हैं? हमें पूरा 110% मुझे यकीन है कि हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए हमारे साथ में मौलाना साहब, उनसे भी कुछ क्वेश्चन ले लूं। सर हम लोग देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जब तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है जब जब इलेक्शन करीब आता है तो माइनॉरिटी सेल भी करीब आ जाती है, और फिर इलेक्शन चले जाने के बाद माइनॉरिटी सेल भी चली जाती है, तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन चले जाने के बाद माइनॉरिटी सेल रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि सब लोगों का एतबार है, आप दीदी ने किया है, सब धर्म के लिए किया है, माइनॉरिटी के लिए भी बहुत कुछ किया है। हाँ, कहाँ कहीं कहीं ऐसी बात है कि जहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं, और हम लोग इलेक्शन में सबके पास जा रहे हैं, जिनके पास कुछ कमी है, जिनके पास लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर क्या कमी रह गई है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। रघुनाथपुर जो मार्टी सेल का जो हलका है और जो आप लोग मार्टी सेल करता धरता है, हम लोग देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खट भी रहे हैं, तो लोगों को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है, हम लोगों के पास इसलिए भी जा रहे हैं कि कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए एक अब्बास सिद्दीकी के नाम का एक नया नया चेहरा आया है लोगों के सामने, जो मुसलमानों का लिबादा उड़कर आज इस तरीके से मतलब लोगों को रगला रहे हैं, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का वोट जो है किसी के बहकाव पे ना जाए। दीदी का उनका आने से कितना फर्क पड़ेगा अब्बास सिद्दीकी के आने से? नहीं, हम लोग को तो लगता नहीं कि कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने भी आने की कोशिश किया था, लोगों ने विरोध किया, हम लोग चाह रहे हैं कि दीदी हम लोग के लिए बेटर है और हम लोग के लिए अच्छा ही है। अब्बास सिद्दीकी सेकुलर माइंड आदमी है या फिर बीजेपी का चट्टा बट्टा है? हमको तो लगता है कि बीजेपी का ही दलाल है, ये बीजेपी के दलाल है।
ये अचानक नमूदार क्यों हो गया पॉलिटिक्स की दुनिया में? ये इसलिए कि ये अपना जो है बस वो पैसे के लिए, ये बिका हुआ आदमी है और हर जगह पर ऐसे किया। बिहार में भी वैसे ही कुछ लोगों को चेहरा लाया था बीजेपी ने, ये बीजेपी की सोची समझी चाल है, तो अब्बास सिद्दीकी का चेहरा लाया है। माइनॉरिटी वोटर रघुनाथपुर असेंबली हल्का में 60 से 70 हजार हम लोग देख रहे हैं, क्या लगता है तमाम वोट आपके पाले में गिर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% हम लोग का जितना वोट है 60 से 70 हजार का सारे वोट हमारे जो है टीएमसी में जाएंगे। आपका अच्छा, आप अभी क्या करते हो? पॉलिटिक्स में कैसे आप आ गए? कैसे आए पॉलिटिक्स में? आपको आने का कब मन बना, इरादा हुआ? आप हजारी बोरी के फेवर में प्रचार प्रसार कर रही, लोगों को रिस्पांस कैसा मिल रहा है? हम लोग स्पेशली अगर आद्रा की बात करें तो यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है? यहाँ पे देखिए कुछ भी प्रॉब्लम उतना नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो हजारी बावरी जो है हमारे उनके आने से वो भी सॉल्व हो ही जाएंगे। और आप जो प्रचार प्रसार जा रहे हैं कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा ही फील हो रहा है। ममता बनर्जी को देखते हैं तो कैसा, कितना हौसला मिलता है? बहुत ही हौसला मिलता है, क्योंकि वो एक नारी है और उनके साथ हम लोग भी एक नारी है, तो इसीलिए उनके साथ हम लोग को भी हौसला मिलता है और हम लोग आगे उनका हौसला जरूर बढ़ाते ही रहेंगे। रघुनाथपुर असेंबली हल्का में हम देख रहे हैं कि जाकिर भाई एक उभरते हुए नेता है और स्पेशली माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और प्रचार प्रसार को भी संभाले हुए हैं, इनसे कितना सीखने का मौका मिलता है? इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और चाहते हैं कि आगे भी इनसे ही सीखने का मौका हम लोग को मिलते ही रहे। अरे जाकिर सर, आप तो माइनॉरिटी मोर्चा के प्रचार प्रसार को संभाले हुए हैं, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी वोटर है जो इसका बिखराव नहीं होगा, ये जो वोटर है पूरा टीएमसी का पाला में जाएगा? तो 100% जितना मेरा माइनॉरिटी वोट है, यहाँ 60 से 70 हजार वोट है टीएमसी पर जाएगा एकदम 100%। और हम लोगों का विधायक शिक्षक हजारी बावरी जो काम करता है सबको लेके, उसमें इतना माने पुराना लेके नया तक, युवा से लेके पूरा महिला पूरा निकल गया प्रचार में, वो निकालना ही है 100% निकलेगा। दूसरा नंबर में कौन चल रहा? दूसरा तो यह है बीजेपी, तो वो बहुत नीचे चल गया क्योंकि वो रहता नहीं है यहाँ, कलकत्ता में रहता है, कलकत्ता में फैमिली रहता है। और हम लोग का रघुनाथपुर विधानसभा का चाहिए लोकल, यहाँ दीदी जो एक वार्ता दिया है इंडस्ट्री नगर, तो ये पूरा रघुनाथपुर विधानसभा में अभी हम लोग का मान यही चाहिए जो लोकल हमको आदमी चाहिए, और वो है हजारी बाबू। हजारी बाबू शिक्षक है और सबसे मिलती है जुलती है सब। आप तो रघुनाथपुर से बिलोंग करते हो, क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी का जितना काम दीदी बोल रही है उतना काम हुआ है? एकदम हो ही रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हो ही रहा है। थोड़ा बहुत जो बाकी है वो हम लोग का विधायक है, ये है देखेगा, देख सुन के वो काम करेगा। वो माटी लेवल का माने नेता है, वो एरोप्लेन से माने एरोप्लेन से वो करके नहीं आया, नीचे से माने उठ के नेता हुआ है मेरा हजारी। चलिए फरीदा जी, आप क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, आखिर हजारी बोरी में क्या क्वालिटी है जो दिगर कैंडिडेट बनी है? सबसे बड़ी क्वालिटी तो उनका है कि वो एक टीचर है, उसके बाद उनकी जो क्वालिटी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, क्योंकि वो एक ऐसा फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उन्होंने बहुत तकलीफें देखी है, और ये सारी तकलीफें देखने के बाद आज उनका अपना आइडेंटिफिकेशन बना है। जो इंसान शुरू से तकलीफें देखता है, मुझे बिल्कुल यकीन है आई हैव फेथ कि वो दूसरे के तकलीफ को समझता है, और इसी भरोसे के साथ हमें उम्मीद है कि हजारीदा हमारी जो तकलीफें हैं वो कोई भी जात पात पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि वो इंसानियत पर विचार करेंगे और जितने भी हमारे जनता हैं, लोग हैं, उनके उनके दुख दर्द को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि टीचर हैज अ नोबल हार्ट ऑलवेज, देन ओनली ही इज अ टीचर। ऐसा नहीं जीतने के बाद वो बदल जाएंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो बदलेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन, और जो बंदा डाउन टू अर्थ पर्सन रहता है वो कभी नहीं बदलता है। आप हमारे गांधी जी जी को देखिए, ही वाज अ डाउन टू अर्थ पर्सन, और आज हमारे पूरे भारत के वो बापूजी हैं। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से तो हम लोग बहुत कम, पर बापूजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बापूजी मतलब हमारे पिता।
तो इस तरह से मुझे लगता है कि द पर्सन हु इज डाउन टू अर्थ ही विल नेवर बी चेंजिंग बिकॉज़ ही इज नोइंग द पेन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन एंड द पर्सन हु इज नोइंग द पेन इज नियर टू गॉड। और जो बंदा गॉड से करीब होता है वो बंदा को बदलना इतना आसान नहीं। पूरी उम्मीद है कि वो नहीं बदलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस। चलिए मोहन साहब, आप आपसे आखिरी सवाल ले रहे कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक बीजेपी की हम टारगेट ये होते हैं कि वोटों को पोलराइजेशन किया जाए, अपोजिशन वाले ये कहते हैं, और चूंकि अब हम देख रहे हैं कि जो मजहबी लोग हैं वो भी सियासत की दुनिया में खुल कर आ रहे हैं, अब बिल्कुल आना चाहिए, इस्लाम इसकी कहीं ना कहीं इजाज़त देती है, लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी पैसा लेकर अपनी जो जमहूरियत है उनका जो वोट देने का हक है उसको वो बेच देते हैं, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम इस बारे में कहता है कि देखिए अपना हक मांगिए, हक के लिए आप लड़िए, दूसरों के दर्द को समझिए, ये नहीं कि अपने फायदे के लिए आप पैसे पर बिक जाएं और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। ये मैं जो भी ऐसा कर रहे हैं मैं उनको वार्ता देना चाहता हूं कि ये गलत है, आप कौम को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। आप पैसे के लिए बिल्कुल आप मुसलमानों को हक दिलाइए, ये आपका हर मुसलमान के साथ मैं कह रहा हूँ कि देखिए जितने आलिम उलमा हैं या उपाध्य कराम हैं जो भी राजनीति में आ रहे हैं अपने फायदे के नहीं आ रहे हैं। हम लोग के अंदर नेचर ये बोलता है, हमारा इस्लाम ये बोलता है कि सबसे मोहब्बत बांटो, इखलाक बांटो, हर किसी का जो है गरीब देखो, तो चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो आप उनकी मदद कर रहे हैं, ये होना चाहिए। बल्कि ये अपने फायदे के लिए जो है अपने जात पात लेकर जो है कोई चीज़ बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, जिससे ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यही राजनीति और यही दीदी की वार्ता है, दीदी यही लेके चल रही है, इसी से हमारा मतलब जो है ख्याल है कि आइंदा चल के हमारे हजारीदा भी बिल्कुल वो हमारे मुसलमान घर ही में वो पले बड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनका लगाव हाँ, हर कम्युनिटी में वो मैंने फेमस भी है जी। इस्लामी स्कॉलर चलते चलते आखिरी सवाल ये चाहेंगे कि इन दोनों जो मुल्क के हालात है, जो बंगाल के हालात है, आप तो नायब रसूल भी हैं, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि देखिए ममता एक ऐसी चीज़ है, आदमी के अंदर जिस तरीके से ममता अगर ना हो तो अभी ममता है तो हर चीज़ मुमकिन है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा हर धर्म के लोगों को, और मैं बिलखसूस सिर्फ मुसलमान ही को नहीं बल्कि हर धर्म वालों को वार्ता देना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर बांग्ला को अगर और तरक्की पर ले जाना है तो ममता दीदी का हाथ मजबूत करें और ममता बनर्जी का साथ दें, और इसी से हम जो है सुरक्षित रहेंगे, वरना मोदी जिस टारगेट में चले हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जिस टारगेट में चले हर चीज उन्होंने भेज दिया है, बंगाल की ऊपर उनकी नजर है, अगर वो बंगाल में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो सुकून हमें मिल रहा है, जो कुछ चीजें हमें मैसर हो रही है, वो सारी चीजों से हम दूर होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान को भेज देगा, हमें तो डर ये है कि बंगाल वासियों को भी भेज देगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी इधर ना जाए।